मस्त हरा, तुम कैसे हो? आप कैसे हो? अरे डांस कर रही मैम, धूप में नहीं बाहर आते हो, जूता पहन के निकलूंगी तब। और मुझे लगता है कि जैसे इन दोनों की बातें सुन के मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल और ज्यादा प्रिपेयर होके आ रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इन्होंने देख लिए, हमारे पास बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए थे, वो एक्सपीरियंस पूछिए इनसे। It was amazing. It was amazing. So normally I do kids shows and you know, बच्चों के साथ you have to be careful what you say. तो इसमें मजा ये आता है कि मैं थोड़ा ज्यादा खुल के बोल सकती हूँ। हमने तोड़ दिया है इनको। क्योंकि बच्चे नहीं है तो you don't have to be so careful कि मैं क्या बोल रही हूँ। You have to be, but you know how it is. You don't have to nurture it so much. तो बड़े बदमाश style. हाँ, थोड़ा सा तो मजा आ जाता है। That's true. और दोनों बदमाश है ना जो साथ में, तो बदमाशी थोड़ी निकल आती है। बहुत बदमाश है दोनों। नहीं नहीं, आई एम वेरी सीरियस। जो पहले सीजन में जो डांसर्स होते हैं बोलते कि यार कौन सा शो होगा, कैसा होगा, देखेंगे। फिर जब शो पॉपुलर होता है, सीजन टू में पॉपुलर जनरली होता है, और ये इस बार ये ऐसी हुआ है। ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है 10-12 साल में कि इट्स ऑलवेज अ सीजन टू दैट कम्स सुपरबली पॉपुलर एंड सीजन थ्री वी गेट डांसर्स हु आर विलिंग टू गिव एवरीथिंग टू देम। तो इस बारी सीजन थ्री में हमें ऐसे यू नो कमर कसके हुए डांसर्स आए हैं जिनको कुछ सिखाना नहीं था, नौसी के एक भी नहीं आए, सब सीख कर आए थे, सबको पता था कि क्या करना है किसी की। मतलब इट वॉज रियली हंटिंग फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इट वॉज नॉट इंडियाज बेस्ट डांसर, इट वॉज रियली फाइटिंग फॉर इंडियाज बेस्ट ऑफ द बेस्ट डांसर्स, बिकॉज कोई जो वीक है आया ही नहीं, इनको पता चल कि शो का लेवल क्या है। सो दैट वॉज वेरी एक्साइटिंग, दैट वॉज ऑल्सो चैलेंजिंग फॉर अस, बिकॉज इट वॉज वेरी इमोशनल, बिकॉज वी वर लाइक अरे यार इसको कैसे जाने दें, इसको भी रख लो, उसको भी रख लो, इसको भी रख लो। अच्छा था ना वो एक घंटे का जो फाइट हुआ अंदर, किसको रखना है ओ नहीं पता ना था। ऐसा होगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द किड्स। एंड लोग पूछते थे कि इतने सारे शोज क्यों होते हैं डांस के, बट हमारी जो आबादी है 130 करोड़ की एंड हमारे देश में इतने सारे डांस स्टाइल्स ऑलरेडी फेमस हैं, सो हमारा डांस से काट लगाव, डांस और म्यूजिक का लगाव बहुत है। एंड इन बच्चों को अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा सो हाउ विल दे ग्रो, दे ऑल्सो नीड अ प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि शोज होने चाहिए, बिकॉज द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर सो पैशनेट, और वो ऐसे ऐसे डांसेस नहीं है कि अपने शौक के लिए सीख रहे हैं, दे आर गिविंग देयर एंटायर लाइफ टू दिस, तो उनको थोड़ा तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे इनको रिकॉग्निशन मिले। तो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, और लोगों को मजा भी आ रहा है एंड इट्स सो अमेजिंग, इट्स इंस्पायरिंग। ऑनेस्टली इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू जज अ शो लाइक दिस बिकॉज द किड्स आर सुपर टैलेंटेड। लुक लाइक टेरेंस सेड जस्ट नाउ कि इतना सब कुछ ओपन है इनके लिए, इनके विजुअल्स इतने खुल गए हैं, इनके तरीके सीखने के इतने बढ़ गए हैं, सो एवरी टाइम दे आर एक्सपेरिमेंटिंग वी गेट टू सी समथिंग न्यू। एंड अब जो कोरियोग्राफर्स आ गए हैं ऑन बोर्ड शो पे, उनके लिए भी इट्स अ चैलेंज बिकॉज दे आर गोइंग टू स्टार्ट ट्राइंग एंड डूइंग समथिंग न्यू विद देयर कोरियोग्राफी। तो मेरे लिए हर दिन कुछ नया ही, इनफैक्ट मैं पहली बार ऑडिशंस में इतना सब कुछ नया देख रही हूँ एंड इट एक्चुअली फोर्सेस मी टू गो होम एंड डू होमवर्क, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि यू नो कुछ चीज़ें नई हैं एंड टेक्निकली प्रोबेबली यू कैन से थिंग्स अबाउट इट बट देयर समथिंग सो यूनिक अबाउट इट, तो आप क्या मतलब क्या ही बोलोगे अगर आपने रिसर्च और होमवर्क नहीं किया। So that's what this season is doing. घर भेज के हम homework करने लग गए but it feels really nice because it's also refreshing to see something new. So